हेलो, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज एम एस हुसैन एंड आज हमारे साथ हैं अभिषेक गर्ग, जिन्होंने हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम में एटीओ के जो पोस्ट है उसको सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी एससीएस क्लियर करने की, प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी रही, मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रही, इंटरव्यू में इन्होंने किस टाइप से प्रिपरेशन किया था, और एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की क्या जर्नी रही इनकी, वो उनके बारे में आज हम लोग इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने अपने चैनल पे अभिषेक गर्ग का, और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ पूरे अभिमन्यु टीम के तरफ से इनके सिलेक्शन के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका जो जब फर्स्ट टाइम आपने रिजल्ट सुना था या फिर देखा था, तो कि क्या फीलिंग थी आपकी, क्या फिर क्या रिएक्शन था आपका? सर बहुत ही मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि भाई मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब कुछ क्लियर नहीं होता है। आप जब मेंस लिख के आते हो और जब इंटरव्यू देके आते हो तो बहुत सारे मतलब आपके मन में डाउट्स रहते हैं कि भाई मतलब बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा है, होगा या नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है। लेकिन फाइनली जब आप अपना रोल नंबर देखते हो तो फिर मतलब बहुत बहुत ही खुशी होती है। अब मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटमेंट आप मैच नहीं कर सकते, खासकर जब आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो और जी मतलब फिर आप अपनी लिस्ट में वो नाम देखते हो तो मतलब उस एक्साइटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कंपेयर जी नहीं कर सकते आप किसी चीज से। और इनकी मतलब और आपका तो ठीक है, आपका रिएक्शन ये था, आपके घर वाले का रिएक्शन क्या था जब आपने फर्स्ट टाइम आपने बताया कि मेरा सिलेक्शन एसीएस में? तो हाँ जी, घर वाले मतलब घर वाले बहुत इमोशनल हो गए थे। मैंने देखते जैसे पहले मम्मी पापा को बताया तो बहुत मतलब इमोशनल हो गए थे, फिर सबको मतलब बोलने लगे, जी बताया उन्होंने तो ऐसे ऐसे मतलब सभी फैमिली फ्रेंड्स ने बताया तो सब लोग मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका फोन आ रहा था। जी चल। जी और ये बताइए कि आप सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो सर मैं वैसे पानीपत से हूँ जी और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है NSIT दिल्ली से। उसके बाद मैंने जॉब की है एक प्राइवेट सेक्टर में एज अ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 साल के लिए। फिर जी उसके बाद से मतलब मैंने इसकी हरियाणा सिविल सर्विसेज की और UPSC की प्रिपरेशन शुरू की थी। जी तो मैंने वैसे HCS इससे लास्ट टाइम भी लिखा था जो 2017 में, जो 2019 में हुआ था, जी तब मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था। जी बट इस बार फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया थोड़ा और अच्छे से हरियाणा के बारे में पढ़ के और जी मतलब नॉलेज गेन करके। हाँ तो आप मतलब अभी फिलहाल सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे थे या फिर कहीं पे जॉब भी कर रहे थे साथ में और प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ अभी प्रिपरेशन कर रहा था। मैं पहले जॉब के साथ थोड़ा मैंने पढ़ना शुरू किया था बट फिर वो पूरा मतलब डेडिकेटेडली पढ़ नहीं पाते हो, मतलब ना फिर आप जॉब सही से कर पाते हो और ना ही आप पढ़ाई सही से कर पाते हो, मतलब इसलिए फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। जी फिर मैंने मतलब फुल डेडिकेटेडली यहीं पे मतलब पढ़ाई कर रहा था। जी तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम की, एसएससी एग्जाम की, जिसमें से प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होती है, ठीक है, प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे भी दो पेपर है, जैसे आपके जीएस है, उसके बाद फिर आपका सीसेट है, तो दोनों की क्या हाँ जी, स्ट्रैटेजी रही आपकी, या फिर जो आपके जीएस के जो आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई वीक सब्जेक्ट होता है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर तो बेसिकली जैसे अब मैं अलग अलग बताता हूँ। जैसे जीएस का जो है, जीएस के लिए तो मैं क्या करता था कि एक टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल, जैसे आपको एक एक स्केड्यूल बना लेता था एक टेस्ट जी सीरीज का, तो जी उसमें मतलब लीनियरली जैसे पहले पॉलिटी हो गया और फिर ये हिस्ट्री हो गया, ये सब सारे सब्जेक्ट्स पहले कवर किए और जी फिर उनका एक और सेक्शनल वाइज एक और, बेसिकली आपको 3 आइटरेशन में पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। जी और साथ की साथ ही मतलब उसके आपको करंट अफेयर्स भी मंथली इसमें मतलब इस टेस्ट सीरीज में कवर होता रहता था सब कुछ। जी तो वो वही मतलब मेन तो आपकी प्रैक्टिस ही है, नॉलेज सबको उतनी होती है प्रीलिम्स में, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। आपको ऐसा नहीं कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन आने चाहिए, बेसिकली जी आपको ये आना चाहिए कि भाई मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है और ये तो छोड़ देना है और बाकी क्वेश्चन में जहाँ आप एलिमिनेट कर सकते हो वहाँ पे एलिमिनेशन करके आप मतलब एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो जीएस में। तो मतलब अराउंड 140 130 के अराउंड आप बढ़िया स्कोर लेके आ सकते हो। और सी सेट में सर, वैसे सी सेट में क्या मतलब मेरा वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मतलब मुझे पहले से ही थोड़ा मतलब उसमें आता है, मेरा ऑप्शनल भी मैथ्स है तो सी सेट के लिए मतलब मैं पर्सनली ज्यादा नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनका यूपी मतलब जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है लेकिन सी सेट में मतलब कम रहता है। तो सी सेट मतलब उनको क्या है कि डेली अपना 1 घंटा लगा के प्रैक्टिस करो, जो भी मतलब स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसकी फॉलो करो, तो जी मतलब सी सेट।
सीसेट के लिए, मतलब उसको ऐसे मत मतलब आपको निगलेक्ट मत ज्यादा करो टाइम देने बेसिकली। की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप तो एक तो ऑप्शनल आपका मैथमेटिक्स था, ठीक हाँ है, जी इसमें तो हाँ आपको जी कभी हाँ जरूरत ही नहीं थी कि सीसेट पढ़ने की जरूरत है, अगर ऑप्शनल आप तैयार कर रहे हाँ हो। जी सर, हाँ जी हाँ जी। तो तो मुझे मतलब हाँ सी सेट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, बट वैसे लोगों को मैंने सुन मतलब देखा है कि काफी लोग मतलब स्ट्रगल करते हैं उसमें, खासकर ह्यूमैनिटीज वाले, तो उनको मतलब उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो भाई कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत उसके थ्रू हो जाएगा, अपना प्रैक्टिस करते रहो उसमें भी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो भी मतलब टॉपिक वाइज जी, उनको मतलब प्रिपेयर करते रहना चाहिए। तो जैसे कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो उसमें जीएस में फिर क्या, फिर किस टाइप से आपने आता, क्योंकि जीएस आपने पहले नहीं पढ़ा था, आपने प्रिपरेशन जब कर रहे थे तभी से शुरू किया होगा पढ़ने के लिए। जी हाँ तो सर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, मैंने एनसीआरटीसी पढ़ी थी सबसे पहले, और एनसीआरटीसी भी सपोज मैंने वैसे स्टार्टिंग में तो 6, 7, 8 सारी एनसीआरटीज पढ़ी थी। ऑब्वियसली मतलब वो बाद में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती 6, 7 वाली, मेनली आप 11, 12 वाली जो एनसीआरटीज होती है उन्हीं पे फोकस करते हो, लेकिन जी एक बेस के लिए आपको मतलब मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वाली बुक्स भी एक बार देख लेनी चाहिए कि जी भाई वहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो फिर उसके बाद बिल्डअप होता रहता है। जैसे एनसीआरटी आपने बेसिक पढ़ लिया, फिर आपको शुरू में तो मतलब न्यूज़पेपर में भी आपको सारे आर्टिकल में सब कुछ समझ नहीं आता है, बट जैसे जैसे आप चीजें मतलब नॉलेज गेन करते हो फिर आपके उसके ऊपर बिल्डअप होता है, फिर आपको समझ आता है कि हाँ भाई मतलब इस न्यूज़पेपर में मतलब इस आर्टिकल को इसमें रेफरेंस कर रहा है, तो बिल्डअप होता रहता है मतलब सब कुछ नॉलेज उसी के ऊपर ही। लेकिन बेसिक्स एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करो और उसके बाद मतलब उसी के ऊपर आप बिल्डअप करो, अपने नोट्स बनाओ सब्जेक्ट वाइज और उसमें मतलब स्पेस छोड़ के, क्योंकि आप बाद में उसको करंट अफेयर्स भी मतलब उसमें अपडेट कर सकते, उस हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करो। और अगर हम लोग बात करें मेंस की, जिसमें जीएस पेपर हो गया, ऑप्शनल होगी, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? तो सर उसमें क्या है कि जैसे मैं थोड़े डेज डिवाइड कर लेता हूँ, स्टार्टिंग में क्या करता हूँ ऑप्शनल का थोड़ा फोकस ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि जी जैसे आप देखोगे तो इस बार तो एचसीएस में तो स्पेशली ऑप्शनल और जीएस की वेटेज बराबर है, मतलब बारिंग इंग्लिश हिंदी आप छोड़ दो तो 200 मार्क्स का ही जीएस है और 200 मार्क्स का ही आपका ऑप्शनल है, तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा ऑप्शनल पे ज्यादा फोकस करो, एज इन कि अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो डेली जी तो 6 आवर्स आप उसको दो ऑप्शनल को और जी 3 to 4 आवर्स आप अपने जीएस को दो। तो स्टार्टिंग में जी ऑप्शनल को फोकस करके फिर आप धीरे धीरे मतलब उसको बराबर 50-50 टाइम दो, और उसके बाद एंड में आप जीएस पे ज्यादा फोकस करो और ऑप्शनल को अपना थोड़ा मतलब बस प्रैक्टिस करते रहो। और आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, मतलब बच्चे, जब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी तो हो जाती है लेकिन वो लिख नहीं पाते, आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, तो फिर उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो सर आंसर राइटिंग में क्या है कि हाँ अब जैसे हम जीएस पढ़ते हैं तो जी लोगों को पढ़ते हुए तो भाई आसान लगता है, आंसर राइटिंग में एक एक मतलब एक इनर्शिया रहता है कि मतलब मैं आगे भाई मैं लिखूं या नहीं लिखूं, मेरे लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पहली बारी में बेस्ट आंसर लिख दूं, तो जी बेस्ट आंसर करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मतलब बंदे को ये अपने कॉन्शियस में रखना पड़ेगा कि बेस्ट आंसर कोई नहीं है, पेपर उठाओ अपना लिखो और फिर खुद से ही इवेल्यूएट करो जी आप पहले, अगर आपको सेल्फ इवेल्यूएशन आती है तो उससे बढ़िया चीज कोई है ही नहीं, आप जी सेल्फ इवेल्यूएशन करो और चाहे आप ये मत सोचो कि मुझे बेस्ट आंसर लिखना है, आप अभी बस एक आंसर लिखो, अपना टाइमर लगाओ और ट्राई ट्राई करो कि टाइम में मतलब पेपर फिनिश करने की कोशिश करो, क्वालिटी विल ऑटोमेटिकली कम जी जी बिल्कुल, मतलब अगर आप प्रैक्टिस टाइम पे करते करते फोकस वो करो। क्वालिटी आ ही जाती है। जी हाँ जी हाँ जी मतलब, पर लेकिन टाइम में जैसे टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है तो टाइम आप ट्राई करो, जैसे अगर टाइम और क्वालिटी में बंदों को होता है कि भाई मैं क्वालिटी पे फोकस करूँ या क्वांटिटी पे फोकस करूँ, लोगों का मेन क्वेश्चन ये होता है कि सर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं अच्छे आंसर जी लिखने की कोशिश तो कर रहा हूँ बट मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा जी है, तो मैं कहूंगा कि आप पहले पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो, जी क्वालिटी ओवर द टाइम आप जितनी बार ये आंसर लिखोगे आप अपने आप ही आपका फ्लो मतलब बनता चला जाएगा, दैट इज तो वॉट इस आई बार हैव लर्न जैसे फ्रॉम आपने माई सीनियर्स की। हाँ टाइम मैनेजमेंट की बात करी, क्योंकि इस बार जो अगर हम लोग मेंस के पेपर की बात करें, तो उसमें क्या था कि बहुत लेंदी पेपर था, ठीक है, 3 घंटे में यस खत्म भी सर, करना था उसको, तो 3 घंटे में उस टाइम मैनेज उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने, कि 3 घंटे में फिर आपको मतलब उतना लेंदी पेपर को खत्म करना? तो सर मतलब वैसे हर एक की स्ट्रेटजी अलग होती है, मैंने क्या किया था कि जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ कि पेपर जैसे जैसे 1 to 20 क्वेश्चंस है तो एग्जामिनर आपके पहले 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे मतलब लिखे होने चाहिए, क्योंकि वहां से एग्जामिनर आपको जज करना शुरू कर देगा, तो जी पर्सनली मैं पहले 2 क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करता हूँ, उसके जी बाद मैं जो बड़े क्वेश्चंस हैं क्योंकि उनकी वेटेज ज्यादा है, मतलब जी आप पर वर्ड अगर वेटेज भी देखोगे तो उनकी पर वर्ड वेटेज बहुत ज्यादा है, जी तो आपका वो भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, देन आप 11 ऑनवर्ड्स करो, देन यू कम बैक टू 3 एंड ट्राई टू फिनिश इट इन टाइम, टाइम देखते रहो मतलब साथ साथ, ऐसा नहीं है कि
बंदा आराम से आंसर लिख रहा है। ट्राई करो कि आप जो उसका एलोकेटेड टाइम है, सपोज जैसे आपके पास 30 मिनट मतलब 10 मिनट्स है सपोज बड़े वाले आंसर लिखने के लिए, तो आप ट्राई करो कि 9 to 10 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए। जी, और मतलब अगर आप आपने टाइम किसी कोई डिवाइड क्वेश्चन करो। लिखा, हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में मेरे 10 से 11 मिनट्स लग रहे हैं, तो आप दिमाग में रखो कि भाई आपके पास 1 मिनट का डेफिसिट चल रहा है, फिर आप आप उसको नेक्स्ट मैनेज क्वेश्चन में ट्राई करना, करो कि उसको हाँ हाँ मैनेज वो करना। मैनेज करना आपको। हाँ, मतलब बस बीच में मतलब टाइम को छोड़ो मत, जी टाइम को देखते रहो कि कितना टाइम बचा है मेरे पास, मतलब वो डेफिसिट आप काउंट करके चलते रहो कि भाई मेरा 1 मिनट एक्स्ट्रा मतलब कम बचा है ज्यादा बचा है, 1 मिनट है मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो वो चीजें आप मतलब थोड़ा दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यू कीप दैट। जी और अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपका ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, ठीक है, यस सर, तो मतलब एक ये धारणा बनी हुई है कि धारणा, या फिर बोल भी सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, या तो फिर बहुत नंबर आएगा या फिर कम नंबर आएगा, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपका कैसा रहा? सर ये तो रिस्क है ही। देखो मतलब मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने जब लास्ट टाइम HCS दिया था तब मेरा मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर था पूरे ऑल ओवर, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है फिर भी, जी, क्योंकि मेरा दूसरा ऑप्शन मतलब ह्यूमैनिटीज वाला था तो मेरा उसमें स्कोर कम आया था। अच्छा लेकिन अच्छा अब मैं इस बार देखूंगा तो हो सकता है कि मतलब जैसे इस बार काफी टफ पेपर था और मतलब लेंथी भी था और क्वेश्चन भी मतलब अनएक्सपेक्टेड थे। आप वैसे सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये मतलब दीज आर नॉट द जनरल क्वेश्चन दैट दैट इज आस्क्ड इन अ मैथ्स एग्जाम। तो थोड़ा अनकन्वेंशनल सा पेपर था, तो मतलब मुझे भी अभी इसे स्कोर्स आउट नहीं है, मुझे पता नहीं कि हो सकता है कि मतलब इसकी वजह से शायद मेरी रैंक थोड़ी पीछे आई हो। अगर मेरा और अच्छा होता, पिछली बार जैसा पेपर अच्छा हो जाता तो और मतलब रैंक आ गया आती। जी, हाँ चल जी तो, और अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, ठीक है, तो इंटरव्यू सर, प्रिपरेशन का मतलब क्या स्ट्रैटेजी बनाई अपने, और कब से शुरुआत किया? क्योंकि अगर हम लोग रिजल्ट देखें कि मेंस का जो रिजल्ट आया, उसके 10 दिन बाद ही आपके इंटरव्यू रख दिया था उन्होंने, और 5 दिन में खत्म भी हो गया, तो मतलब इतने कम टाइम में किस टाइप से आपने प्रिपरेशन की, या फिर पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर वैसे तो मैंने मतलब मेंस के बाद से ही एक डायरी बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें मतलब मेरे डैफ रिलेटेड एटलीस्ट मैं क्वेश्चंस, बेसिकली मैं क्वेश्चन सोचता रहता था और अपने फोन में ही नोट्स में वो क्वेश्चंस को ऐड करता रहता था। एक क्वेश्चन ट्री बेसिकली मैंने बना लिया था, जैसे सपोज मेरा नाम है तो मेरा नाम का मीनिंग क्या है और मतलब उसका सिग्निफिकेंस मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, किसने दिया है, और उसमें मतलब क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन ट्री बनाओ, एक एक वर्ड उठाओ अपने डैफ का और उस पर क्वेश्चन ट्री बनाते चले जाओ और आपके खुद ही दिमाग में उसके आंसर्स आते रहेंगे, आपके खुद ही क्वेश्चन बनते रहेंगे कि भाई चलो अच्छा आगे क्या इसका हो सकता है, और मतलब करंट अफेयर से आप अपने आप उसको रिलेट करना शुरू कर देंगे। तो ये वाली जो क्वेश्चन ट्री वाली एक्सरसाइज है ये आप मेंस के बाद से मतलब जैसे मैंने शुरू कर दिया था, ये मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि मेंस के बाद से शुरू कर दो, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली आपको जब रिजल्ट आएगा बूस्ट आपको तभी मिलेगा कि जी, भाई आप फटाफट फिर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आने शुरू हो जाएंगे, बट एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस उस टाइम बनाना शुरू कर दो और सारा अपना डैफ प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और कुछ ऐसा इंसिडेंट जो मतलब आप जो इंटरव्यू जब आप देने गए थे, या फिर जब प्रिपरेशन कर रहे थे आपके पूरा प्रिपरेशन पीरियड में, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो हमारे स्टूडेंट के साथ? सर इंसिडेंट तो ऐसे तो नहीं, मतलब बस यही है कि हाँ इंटरव्यू इंटरव्यू से पहले मैं जैसे मैं बहुत टेंस था, लास्ट टाइम भी जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मतलब मुझे बहुत टेंशन थी और मेरा लास्ट टाइम तो फर्स्ट डे फर्स्ट इंटरव्यू था तो जी, मुझे ऐसे एक्सपीरियंस भी नहीं था। इस बार एटलीस्ट थोड़ा ये था कि भाई मतलब मेरा मिड में था थोड़ा, तो थोड़ा पता लग गया था, तो बस ये है कि वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंटली जाओ, आप ये मत सोच के जाओ कि मुझसे क्या क्या पूछ लेंगे, आप एक बार आपका फ्लो बनता चला जाएगा आप सारे आंसर फिर अच्छे से मतलब दे पाओगे, जो आपको नहीं भी आता होगा ना आपने मतलब पहले सोचा भी नहीं होगा वो भी आप सही से दे पाओगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आ गई है 2023 के लिए भी, SCS के लिए, अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं हाँ जो जी देने वाले हैं 2023 के लिए, तो उनके लिए कोई सजेशन या फिर कोई मैसेज देना चाहो आप? सर, मैसेज तो यही है कि अपना उठाओ बुक्स और प्रिपरेशन शुरू कर दो, अपना पूरा स्केड्यूल बनाओ कि कब मेरा एग्जाम है, कितने डेज बचे हैं, क्योंकि एवरी डे इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, अपना बाकी सब काम जो भी है वो सब अनइम्पॉर्टेंट है, आपका एग्जाम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अपना बुक्स उठाओ, स्केड्यूल बनाओ सबसे पहले कि मुझे कितने महीने, इस महीने क्या करना है, दो स्केड्यूल बनाओ, एक बनाओ लॉन्ग टर्म स्केड्यूल कि 3 महीने जैसे अभी बचे हैं तो अपना 3 महीने में आप क्या करोगे और इस महीने क्या करोगे और वीकली आपके प्लान बनाओ। तो प्लान मतलब प्लान करके ही आप सब कुछ कर पाओगे, ये मत सोचो कि इसमें मेरा बहुत टाइम जा रहा है प्लान बनाने में, बहुत वो लग रहा है, एक बार प्लान बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे, फिर आप अपने मतलब सारा सिस्टमेटिकली पढ़ाई भी कर सकते हो और अपने टेस्ट भी दे सकते हो, वही मतलब मैं सजेस्ट करूंगा।
थैंक यू अभिषेक, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, अपने टाइम से निकाल के, अपने शेड्यूल से निकाल के। और आई होप जो हमारे स्टूडेंट हैं, आपने जो इनपुट दिया है उन्हें, उनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा उनको और हमारे को टाइम देने के लिए। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस थैंक यू सर, फॉर। थैंक यू टू अभिमन्यु IAS वेज वेल, क्योंकि उन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प किया, स्पेशली इन फाइनल डेज, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में मतलब अभिमन्यु IAS ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। मॉक स्पेशली मॉक इंटरव्यू से मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जी जब इसका मतलब मॉक इंटरव्यू हुआ उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और सर ने जैसे दो चार जो सेशन लिए थे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जैसे सर ने बताए थे, करंट अफेयर्स जो बताए थे, तो जी मतलब उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। जी तो थैंक्स टू अभिमन्यु IAS एज वेल। वेलकम। चलिए ठीक है, थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सर। ओके।